लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काद्यान साहब, ये बताइए कि एक तरफ रशिया का ये कहना कि अब जंग बंद होनी चाहिए, तुर्की सीधे सीधे चुनौती देता हुआ नजर आता है रशिया को कि जंग अब रुकने वाली नहीं है, और ऐसे में रशिया की आर्मी का वहां पर पहुंच जाना, संकेत क्या मिल रहे हैं? देखिए, रशिया नहीं चाहता कि उसके बैकयार्ड में युद्ध हो जिससे दुनिया की कोई भी फोर्स वहां आए। रशिया ऐसा नहीं होने देगा। टर्की के अपने इंटरेस्ट हैं। टर्की तो 1915 में जो उन्होंने आर्मीनियन के साथ 15 लाख लोगों को जेनोसाइड किया था, वो तो अभी भी ऑटोमन एम्पायर के ख्वाब देख रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। अगर रशियन आर्मी आई है जैसा कि आपने बताया, तो रशिया और टर्की में अगर मुठभेड़ हुई, टर्की नेटो का मेंबर है, नेटो भी टर्की से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि टर्की इस युद्ध में दखल अंदाजी डाले, तो मैं नहीं समझता कि नेटो का कोई देश टर्की के मदद में आएगा। तो ये तो टर्की को मुंह की खानी पड़ेगी। और दुनिया का ध्यान आजकल बटा हुआ है, कोई कोरोना में, कोई अमेरिकन इलेक्शन हो रहे, इस लड़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं, लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, ये सही बात कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।